इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रही हूँ बेसिक्स अबाउट रूट लोकस कि रूट लोकस क्या होता है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ रूट लोकस कि रूट लोकस बेसिकली होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं इसमें। द रूट लोकस मेथड इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग एंड लोकेटिंग द रूट्स ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ लीनियर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इन द एस प्लेन। एक रूट लोकस मेथड जो है ये हमारा एक ग्राफिकल मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स को लोकेट कर सकते हैं, उनके रूट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि उनकी एस प्लेन में क्या पोजिशन है। तो ये मेथड जो होता है ये रूट लोकस मेथड कहलाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। हम एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कंसिडर करते हैं। लेट वी कंसिडर ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। बनाते हैं हमारा सिस्टम को। आर एस इनपुट, मिक्सर, गेन, आउटपुट, फीडबैक। एज यू ऑल नो दैट यहां पर अगर कुछ नहीं दिया होता तो वो एच इक्वल टू वन होता है। नाउ के इज गेन। के क्या है? हमारा फॉरवर्ड गेन है विच इज अ वेरिएबल पैरामीटर। ये के क्या है? फॉरवर्ड गेन है जो कि एक वेरिएबल पैरामीटर यानी कि इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। अब इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। सबसे पहले इस फिगर का, हमारे सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? आउटपुट अपॉन इनपुट दैट इज सी एस बाय आर एस इक्वल टू क्या होता है ये? जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस होता है। तो ये क्या हो जाएगा? के अपॉन एस, एस प्लस फोर अपॉन वन प्लस एच तो वन है तो के अपॉन एस एस प्लस फोर के अपॉन एस एस प्लस फोर प्लस के के अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस के। ये आ रहा है हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। और किसी भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी होती है तो वो क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है वो उसका डिनोमिनेटर होती है हमेशा, ये होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ऑलवेज हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास कोई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा और हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए होगी उसी सिस्टम की, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि 1 प्लस जी एच जो होता है ये हमेशा इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है सिस्टम की। सो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ गई, लिख लेते हैं। वो आ गई हमारे पास एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस के इक्वल टू जीरो थी। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। अब इसके रूट्स निकालने हैं। सबसे पहले रूट्स निकालेंगे। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? श्रीधर आचार्य मेथड से निकाल लेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लेंगे जो कि क्या होता है? एस इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस का रूट में बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपॉन टू ए। ये अप्लाई करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे एस के लिए तो हमारे पास एस के दो रूट्स आ जाएंगे। सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आ जाएंगे, एक एस वन लिख देते हैं और एक एस टू लिख देते हैं। एस वन आ जाएगा माइनस का टू प्लस फोर माइनस के और एस टू आ जाएगा माइनस का टू माइनस का रूट में फोर माइनस के। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमने इसके रूट्स निकाले हैं और यहाँ पर हम के लिख देते हैं। के क्या है हमारा? ये एक वेरिएबल पैरामीटर है और
इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। और के कहाँ से कहाँ तक वेराई करता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के ओवर ये वेराई करता है इंटरवल में। अब हमें क्या करना है कि के को हम तोड़ेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो लेट अस ब्रेक के। तो के को हम लिमिट्स में तोड़ देते हैं। पहला लेते हैं अपन माइनस इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो तक, दूसरा हम लेते हैं के इज इक्वल टू ज़ीरो, तीसरा हम लेते हैं ज़ीरो से फोर के बीच, और फोर्थ हम लेते हैं के इक्वल टू फोर, फिफ्थ हम लेते हैं फोर से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तो केस वन लेंगे। केस वन में हम के को नेगेटिव रख रहे हैं, क्योंकि केस वन में हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट वाला माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, यानी कि ये क्या है, नेगेटिव है, के हमारा इसमें नेगेटिव है। तो केस वन में के इज नेगेटिव, नेगेटिव के रख रहे हैं हम, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो के बीच में जो था ये वाला केस ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बोथ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी रियल। इसमें क्या होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स जो निकलेंगे वो हमेशा रियल होंगे, बोथ रूट्स विल बी रियल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी रियल ऐसी कंडीशन में। ठीक है, एंड एस वन विल बी पॉजिटिव एंड एस टू विल बी नेगेटिव। और एक और चीज़ होती है, रियल तो होंगे दोनों, और एस वन जो होगा वो पॉजिटिव होगा और दूसरा रूट एस टू जो होगा वो नेगेटिव रूट होगा। इस तरीके से होता है ये। फिर केस टू आता है। केस टू में हमारे पास के इक्वल टू ज़ीरो है, के इक्वल टू ज़ीरो, के इक्वल टू ज़ीरो में ही बोल रहा है कि जब k इक्वल टू ज़ीरो होगा, व्हेन k इक्वल टू ज़ीरो होगा तो रूट्स जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के विल बी रियल, रूट्स विल बी रियल होंगे। और s1 जो होगा वो ज़ीरो होगा एंड s2 क्या होगा, माइनस का फोर होगा। ओके, यहीं पर ही मैं केस थ्री और केस फोर भी लिख सकती हूँ। पार्टीशन कर देते हैं यहाँ पर अपन, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। केस थर्ड, केस थर्ड क्या ले रही हूँ मैं, ये वाला ज़ीरो से फोर के बीच में, यानी कि के पॉजिटिव है, केस पॉजिटिव दैट इज़ ज़ीरो टू फोर है के की वैल्यू। ऐसी कंडीशन में बोथ रूट्स आर रियल एंड नेगेटिव, मतलब रियल होंगे और दोनों ही नेगेटिव होंगे। एस के स्टार्ट्स अप्रोचिंग टू फोर, मतलब के जो है वो क्योंकि फोर को अप्रोच कर रहा है, फोर की तरफ जा रहा है, तो दोनों ही रूट्स होंगे वो हमारे पास रियल होंगे और दोनों ही नेगेटिव होंगे, बोथ रूट्स विल बी रियल एंड नेगेटिव। ओके, केस फोर, केस फोर क्या है, के इक्वल टू फोर है। तो के इक्वल टू फोर है, ऐसी कंडीशन पर हमारे दोनों ही रूट्स क्या होंगे, माइनस टू होंगे, और वो क्या करेंगे, दे मीट एंड मर्ज एट एस इक्वल टू टू, एस इक्वल टू टू पॉइंट पर वो दोनों ही मीट यानी कि मिल जाएंगे, मर्ज यानी कि मिल जाएंगे। ओके, केस फिफ्थ, केस फिफ्थ में क्या है, फोर से इन्फिनिटी के बीच में है। तो ऐसी कंडीशन पर क्या होता है, रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं एंड उनका रियल पार्ट नेगेटिव होता है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट।
एंड हैव रियल पार्ट इज नेगेटिव. ओके, अब यहां पर हमारे पास क्या है, हेयर इट इज टू, सॉरी माइनस टू. यहाँ पर ये नेगेटिव रियल पार्ट जो है वो हमारा माइनस टू है, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. तो इसमें मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ उसमें कि हमारे पास रूट्स किस तरीके से होंगे, के की वैल्यू पर किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं, उनकी डिपेंडेंसी मैं बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से वो के की वैल्यू पर डिपेंड कर रहे हैं. के की वैल्यू चेंज होने पर रूट्स की जो लोकेशन है वो भी चेंज हो रही है. तो अपन ने पहले केस में देखा कि जब के हमारा नेगेटिव होगा, यानी कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अगर नेगेटिव होगा तो हमारे दोनों रूट्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के वो रियल होंगे, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा. जब हमारा के जीरो होगा तो रूट्स होंगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के वो दोनों ही रूट्स रियल होंगे, एक जीरो होगा और एक नेगेटिव होगा. केस थर्ड मैंने लिया, के जब पॉजिटिव होगा तो दोनों ही रूट्स रियल और नेगेटिव होंगे, दोनों ही होंगे नेगेटिव और दोनों ही होंगे रियल. केस फोर्थ लिया मैंने कि जब अपने पास के इक्वल टू फोर है, यहाँ फोर फोर के अलावा भी कुछ हो सकता है, वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है. मैंने वो एग्जाम्पल लिया था इसलिए यहाँ पर मेरा के इक्वल टू फोर आया है. तो के इक्वल टू फोर होगा जब दोनों ही रूट्स हमारे माइनस टू होंगे, यानी कि दोनों ही नेगेटिव होंगे. एंड केस फिफ्थ है हमारे पास, जब के हमेशा पॉजिटिव होगा, फोर से इन्फिनिटी के बीच में होगा, तो रूट्स जो होंगे वो हमारे कॉम्प्लेक्स कॉन्जिक्यूट होंगे एक दूसरे के, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, रियल नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे और एक दूसरे के कॉन्जिक्यूट होंगे, और उनका जो रियल पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा, जो कि यहाँ पर क्या है, माइनस का टू है. तो हमारा कंक्लूजन्स देखते हैं, हम हमारे कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं. सो कंक्लूजन्स में पहली चीज क्या आ रही है, क्लोज लूप सिस्टम इज अनस्टेबल फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ के बट स्टेबल फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के. जब के नेगेटिव होगा तो हमारा क्लोज लूप सिस्टम अनस्टेबल होगा, और जब के पॉजिटिव होगा तो वो स्टेबल होगा. सेकेंड है, सिस्टम इज ओवर डैम्प्ड फॉर के जीरो टू फोर के बीच में है जब, एंड अंडर डैम्प्ड फॉर के फोर टू इन्फिनिटी के बीच में है, एंड क्रिटिकली डैम्प्ड फॉर के इक्वल टू फोर. ये तीन तरह की कंडीशन होती है, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प्ड. जब के यहाँ से यहाँ के बीच में होगा तो वो ओवर डैम्प होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में होगा तो अंडर डैम्प, एंड यहाँ से यहाँ पर होगा ये तो ये क्रिटिकली डैम्प होगा. फिर थर्ड पॉइंट है, इन अंडर डैम्प्ड केस वैल्यूज ऑफ रियल पार्ट ऑफ रूट्स. अंडर डैम्प्ड के केस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे रूट्स आए हैं उनकी जो रियल पार्ट की वैल्यू है वो सेम रहती है, मतलब हर एक रूट की जो रियल पार्ट की वैल्यू होगी वो हमारे सबकी इक्वल होगी, एंड इसलिए सेटलिंग टाइम जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा. अब ये जो थी सारा बेसिक आइडिया था हमारा रूट लोकस के बारे में, हो सकता है शायद आप लोगों को इससे ज़्यादा क्लियर ना हुआ हो, तो इसलिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स देखिए, जैसे कि मैं आपको जब क्वेश्चन बताऊंगी इसके बारे में तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. ये बेसिक कंसेप्ट था जो आप थ्योरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको रूट लोकस के बारे में लिखना हो तो आप इस थ्योरी को लिख सकते हैं.